जदों दा देश विच पैगासस स्पाईवेयर जसूसी कांड की चर्चा चली है उदों तों देश के लोग चिंतित नज़र आ रहे हैं कि कितें उन्हां दे फोन की जसूसी तो नहीं हो रही। एक वक्री सोच लैके अज तुहाडे सामने इस एपीसोड राही इस गंभीर मुद्दे बारे चर्चा करांगे। इहदे बारे तुहानूं अहम जानकारी देवांगे कि पैगासस स्पाईवेयर की चीज़ है, इहदा लोकां नूं किन्ना खतरा है अते तुसीं जो स्मार्टफोन वरत रहे हो वह किन्ना क सेफ है अते उहनूं किवें सुरक्षित रख्या जा सकता है जसूसी तों। एक बेहद अहम विषय उत्ते अहम एपीसोड है, जरूर वेखियो। पिछले दिन तुसी मीडिया विच खबरां विच पैगासस स्पाईवेयर के बारे जरूर सुनिया होना है, जिस तहत खबर आईया सी कि भारत देश विच कई उगे सियासतदाना विरोधी पार्टी के आगूआं पत्रकारां वकीलां ते होर मनुखी अधिकारां संबंधी काम करन वाले लोगों के फोन हैक किए गए। स्पाईवेयर राही जिन्हां लोगों की जसूसी की गई उन्होंने नावों की लिस्ट लगातार वधदी जा रही है, नवे नवे नाँ रोज़ सामने आ रहे हैं। अजिहे विच लोकी चिंतित होने सुभाविक सन कि कितें उन्होंने फोनों की भी जसूसी तो नहीं हो रही। आम नागरिक भी हुण इस पासे सोचण लग पाया कि कितें उसका फोन भी इस जसूसी वाले सॉफ्टवेयर का शिकार तो नहीं हो गया, क्योंकि ये बारे लोगों को पता नहीं लगता कि कदों अते किहड़े वेले उन्होंने जसूसी हो रही होंगी है। होर तो होर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने अपना फोन बदलना पिया, पांच वार बदलना पिया, क्योंकि उन्होंने इस गल का शक हो गया सी अते बहुत ही हद तक ये गल पक्की हो गई सी कि उन्होंने फोन विच भी स्पाईवेयर आ चुका सी, उन्होंने फोन राही भी उन्होंने जसूसी होण दी खबरां मिलियां। सो जिथे फ्रांस देश का राष्ट्रपति अपना फोन बदलने लिए मजबूर हो गया तो सोचो दुनिया के आम नागरिक इस स्पाईवेयर तो किवें प्रभावित होणो रह सकते सी। इस पैगासस सॉफ्टवेयर के बारे जानना बेहद जरूरी है कि की चीज़ है तो कितों आया। इसका संबंध इजराइल देश के नाल है, उतों के एक कंपनी है जिसका नाम है NSO नाँ की कंपनी ने इस स्पाईवेयर तैयार किया है। इस स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी फोन या होर डिवाइस के जाके जसूसी का काम करता है, आम एक वायरस वांगू काम करता है। पर यह खतरनाक इस पक्षों है कि जेडे भी फोन या डिवाइस के वड़दा है वरतन वाले नूं उहदा पता नहीं लगता अते जिन्हें यह सॉफ्टवेयर भेजा हुंदा उस तक सारी जानकारी पहुँचा दिंदा है। इस करके पैगासस नूं काफ़ी खतरनाक मन्निया जांदा है। हुण तुसीं कहना कि जे खतरनाक मन्निया जांदा तां इहदे उपर पाबंदी क्यों नहीं लगी, इहदे बारे लोकां नूं पता होण दे बावजूद, पूरी दुनिया नूं इहदे बारे पता है पर फिर भी इहदे उपर रोक क्यों नहीं लगी। दरअसल इजराइल दी इस कंपनी ने जिसका नाम है NSO उहने इस स्पाईवेयर यह मकसद लैके बनाया सी कि इहदे राही वड्डे वड्डे अपराधियां अते अतवादियां जां होर खतरनाक किस्म दे लोकां दी जसूसी की जाऊगी, दुनिया विच अपराध नूं ठल पाउण दे लई इहदी वरतों तो की जानी सी, इसलिए यह सॉफ्टवेयर बनाया गया सी। पर जिवें कि दुनिया विच आम तौर पर हुंदा ही आया, हर वो चीज़ जो मनुखता दे भले लिए बनाई गई सी एक ना एक दिन उहदे माड़े नतीजे ही सामने आउंदे ने। कुल मिला के जो अंकड़े मिले ने उन्हां मुताबक पूरी दुनिया विच 50,000 दे करीब फोन नंबर हैक किए जा चुके ने इस स्पाईवेयर की वरतों राही। ये सॉफ्टवेयर इजराइल देश तो बनया, इजराइल तो हुंदा होया मैक्सीको पहुंचया, मैक्सीको विच इसकी बहुत वड्डे पद्धर उत्ते वरतों हुई जा कह लो दुरवरतों हुई, लोगों की जसूसी की गई, वड्डे वड्डे आगूआं की जसूसी की गई। मैक्सीको तो बाद फ्रांस विच इसकी बहुत वड्डे पद्धर उत्ते वरतों होने की खबर मिली, उस तो बाद फिर सारी दुनिया विच इसकी चर्चा फैल गई, लोगों को पता लग गया कि पैगासस नाँ का एक सॉफ्टवेयर है जो फोनों विच जाके लोगों की जसूसी का काम करता है, तो इस तों लोकी चौकन्ने हो गए। तुहानू भी दस दिंदे आ कि इस स्पाईवेयर काम किवें करता है तो इसका तरीका की है। हुण तक फोन विच वायरस आउंदे सी, वायरस आउंदे सी किसी अनजाण लिंक राही, जां कोई लिंक आपां नूं भेजा जांदा सी जिहदे उपर आपां क्लिक करदे सी तां वायरस साडे फोन या डिवाइस दे विच आ जांदा सी। पर इस स्पाईवेयर की सब तो खतरनाक गल है कि बिना किसी लिंक दे आउंदा है, ये आम तौर पर किसी SMS दे राही जां किसी स्पैम कॉल दे राही जां किसी अनजाण नंबर तो आई कॉल दे राही तुहाडे फोन विच एंटर हुंदा है। चाहे तुहाडे फोन का ओपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है जां iOS जां कोई भी होर ओपरेटिंग सिस्टम है, ये हर किस्म के ओपरेटिंग सिस्टम विच वड़न दे समर्थ है। एक बारी जदों इह फोन दे विच वड़ गया तां फोन की लोकेशन GPS वीडियो कैमरा ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग कॉल्स व्हाट्सएप चैट फोटोज़ डॉक्यूमेंट्स
हर तरह की चीज़ की जानकारी जसूसी राही उन्हों भेजदा है जिन्हें यह सॉफ्टवेयर तुहाडे फोन विच वाड़िया हुंदा है। आम तौर पर यह स्पाईवेयर सब तो ज़्यादा स्मार्टफोन्स नूं या मोबाइल फोनस नूं निशाना बना रहा है। हुण स्मार्टफोन के फायदे बहुत आ, अजकल हर किसी को स्मार्टफोन आ, पर इस वेले लोगों को बटन वाले फोनों की याद आ रही है क्योंकि बटन वाले फोन के यहोजे स्पाईवेयर नहीं सी वड़ सकते होंगे, पर स्मार्टफोन क्योंकि हुण जिंदगी का हिस्सा बन चुके ने इन्हां दी वरतों सारे करते हैं, इन्हों स्पाईवेयर छेती निशाना बनाते हैं, इन्हां दी जसूसी बहुत छेती की जा सकती है। इसलिए तुसीं देखिए होना बहुत ही लोकी अजकल नाल छोटा फोन भी रखन लग पए ने, कॉलिंग वास्ते एक वक्रा नंबर रखन लग पए आ, बटन वाला फोन जां नोकिया का फोन जिहनूं आपां आम भाषा में कहिंदे हुंदे सी। इस स्पाईवेयर के तुहाडे फोन में आने की एक होर निशानी यह भी है कि जदों यह फोन के अंदर वड़दा है तो तुहाडा डाटा कंजम्पशन जो डाटा की वरतों आ वह अचानक ज़्यादा होने लग पैंदी है, फोन की बैटरी फ्लक्चुएट हुंदी है, बहुत छेती लो भी हो जाती है, बहुत छेती हाई भी हो जाती है। इस तो बचण का तरीका यह है कि तुसीं अपना नंबर घट तो घट लोगों के नाल शेयर करो, अणजाण लोगों को अपना नंबर बिल्कुल ना दिओ। किसी बहुत अजीब जे नंबर की फोन कॉल आती है तो उन्हें बिल्कुल ना चुको, अजीब जे तरीके का SMS आता है तो उन्हें बिल्कुल ना खोलो, अते जे हो सके तो अपने फोन विच जां अपने डिवाइस विच VPN वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क नाँ का एक सिस्टम आता, उन्हें जरूर इंस्टॉल करो, इन्हें जरूर वरतो, ये काफ़ी हद तक यहोजे स्पाईवेयर नूं रोकण विच सहाई दस्या जांदा है। साडे भारत देश अंदर हुण तक 300 तो वध लोगों की जसूसी होण दीआं खबरां मिल चुकिया ने, जिन्हां विचों बहुते सियासत दे नाल संबंध रखते हैं, जां तां वकील ने, जां मीडिया दे नाल संबंधित लोग ने, जां फिर मनुखी अधिकारां लई काम करन वाले सरगर्म आगू ने। होर तां होर साडे देश दे नवें बने IT मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव उन्हां दे फोन राहीं उन्हां दी वी जसूसी होण दीआं खबरां मिलियां ने। इसी तरह कई सूबों के मुख्यमंत्रियों के फोनों की भी जसूसी होने की रिपोर्ट आ चुकी है। हुणे सॉफ्टवेयर बनाउण लगे कहा तो यह गया कि यह अपराधियों नूं या अतवादियों नूं जां जो खतरनाक किस्म के लोग ने उन्हां दी जसूसी लई बनाया गया, उन्हां नूं फड़न लई, उन्हां नूं नप्पण लई, उन्हां दी पैड नप्पण लई यह तैयार किया गया। पर हैरानी की गल है कि जदों का यह सॉफ्टवेयर बनया है उदों का दुनिया में कोई इहोजिहा वड्डा अपराधी इहदे राहीं फड़िया नहीं गया अज तक। सो इहदा मतलब यह है कि इस स्पाईवेयर का जो असली नतीजा कढ़िया जाए तो जीरो है, सिफर, ये राही दुनिया नूं कोई फायदा नहीं होया, सगों उन्हां लोकां दी जसूसी की गई जो अपराधी है ही नहीं सी। भारत विच भी यही चीज़ हुई है, भारत विच ये सॉफ्टवेयर वरत्या गया विच किवें आया, किने इहनूं खरीद के लिआंदा अते वख-वख लोकां दे फोन विच भेजिआ, ये गल हाले तक भी पता नहीं लग सकी। विरोधी पार्टियां लगातार इस मुद्दे ते मंग कर रहियां ने कि केंद्र सरकार स्पष्टीकरण देवे, जवाब देवे, पार्लीमेंट अंदर भी रौला इसे चीज़ का पै रहा है कि केंद्र सरकार दसे कि यह सॉफ्टवेयर इंडिया विच किवें आया अते इहनूं कौण खरीद के लोकां दे फोनां विच पा रहा है। अते होर भी हैरानी की गल है कि देश में इन्नी सारे इंटेलीजेंस एजेंसीज होने के बावजूद किसी भी इस चीज़ की कोई भिणक नहीं लगी कि देश में इन्ने वड्डे पद्धर उत्ते इन्ने लोगों की जसूसी हो रही है, कोई साइबर सैल देश की टेक्नोलॉजी वाली माहिर संस्था इस चीज़ का पता नहीं ला सकी। सिर्फ यही रिपोर्ट बाद विच आई जदों पता लगा कि इन्ने वड्डे पद्धर उत्ते लोगों की जसूसी हो चुकी है अते लिस्ट लगातार लंबी होंदी जा रही है। अजिहियां रिपोर्टां मीडिया में आ रही ने कि 4 करोड़ रुपए का खर्च हुंदा है इस सॉफ्टवेयर नूं खरीदण उत्ते, पर भारत में जिन्ने भी भगौड़े से वह आराम नाल इत्थों निकल के बाहरले देशों भज गए, जिवें नीरव मोदी, विजय मालिया, होर वड्डे वड्डे खतरनाक अपराधी फड़े नहीं गए, ना उन्हां दा नाम इस सूची में है जिन्हां की जसूसी करवाई गई है। सो जसूसी उन्हां लोकां दी करवाई जा रही है जो किसी होर फील्ड दे आ, किसी होर खेत्र दे आ, एक बहुत वड्डा सोचण वाला विशा है। अते साडे देश दा मीडिया खास तौर पर नैशनल गोदी मीडिया लगातार इस मुद्दे उत्ते पर्दा पा रहा है। इन्हीं दिनी गोदी मीडिया अचानक किसानां दी गल करन लग पिया, पिछले 4 महीनों तो यह मीडिया किसानां नूं भुली बैठा सी, पर हुण किसानां दी गल अचानक करन लग पिया। इहदा मतलब यह नहीं कि उन्हां नूं किसानां दे नाल मोह जाग पिया जां अन्नदाते दा फिक्र उन्हां नूं होना शुरू हो गया। दरअसल इस जसूसी कांड वाले मुद्दे नूं देश दा मीडिया दबा रहा है, इहदी गल नहीं करना चाहुंदा, इसे करके अचानक अजकल किसानां दे मुद्दियां उत्ते काफ़ी ज़्यादा समां मीडिया देण लग पिया। साडे पंजाब दा मीडिया भी इस मुद्दे की कोई चर्चा नहीं कर रहा, हालांकि मुद्दा बहुत गंभीर है, इहदियां परतां खुलणियां चाहीदियां ने, लोगों को पता लगना चाहिए कि उन्हां दे फोन किन्ने क सेफ आ अते किहदी किहदी जसूसी हो रही है अते कौण करवा रहा है। इत्थों तुसीं अंदाज़ा ला लो कि देश दा मीडिया किहड़े पासे नूं जा रहा है अते लोगों की सुरक्षा ले जो मुद्दा जरूरी है उसकी गल नहीं करता।
इंडिया विच इस स्पाइवेयर की वरतों संबंधी बहुत सवाल उठ रहे हैं, पर जांच हाले ताई नहीं शुरू की गई। केंद्र सरकार को काफ़ी पार्टियां ने मांग की है कि जांच करवाई जाए और लोगों को बारे जवाब दिता जाए, पर सिर्फ पछमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी इको एक आगू ने जिन्होंने अपने सूबे विच सरकार राही इस मुद्दे की जांच कराने का ऐलान कर दिता है कि इसकी जांच होगी। साढ़े देश के दो सीनियर पत्रकार एन राम अते शशि कुमार इन्होंने देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक पटीशन पाई है अते मंग की है कि इस जासूसी कांड की निरपक्ष जांच किसी सेवा मुक्त जज की अगवाई हेठ करवाई जाए। इस पटीशन उत्ते हुण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने लगी है। दूजे बन्ने साड़ी केंद्र सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी हाले भी यही कह रहे हैं कि जासूसी कांड कोई मुद्दा है ही नहीं। लोगों भी इस बारे जरूर दसया जाना चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। देश के लोगों की जानकारी देश की जानकारी ही होंगी है और यह जानकारी जे किसी विदेशी सॉफ्टवेयर राही लोगों के फोन चो खिंच के किसी अणजाण थां उत्ते जा रही है तो यह देश के लोगों लिए भी खतरा है और देश की सुरक्षा लिए भी बहुत वड्डा खतरा है। ये गल सारे समझनी चाहिए है, इसलिए फोन की वरतों करो, हर वेले अपना डाटा कनैक्शन ऑन ना रखो। जो तुम फोन नहीं वरत रहे फोन नू बंद कर देना चाहिए जो डाटा ऑफ करके रखना चाहिए और बहुत सावधानी के नाल फोन की वरतों की जाए क्योंकि ये फोन जो बहुत आरामदेह लगता है जो बड़ा आकर्षक लगता है ये किसी वेले भी बहुत वड्डा खतरा बन सकता है क्योंकि अजकल फोन के अंदर की हो रहा है ये किसी नू नहीं पता लगता। जिवें ये पैगासस जसूसी कांड तो बाद पता लगा है लोग फोन वरतते रहे पर हुण उन्होंने पता लगा कि उन्होंने फोन की जसूसी हो रही थी। इस एपीसोड में दसी गई जानकारी चंगी लगी है तो इसको लाइक करो और वो तो वो लोगों के नाल शेयर करो ताकि सारे इस अहम मुद्दे बारे जानकारी मिल सके, लोग सावधान चौकस हो जाए। इस मुद्दे बारे थोड़े को होर जानकारी है जो तुम कोई चीज़ में जोड़ना चाहते हो ज अपने विचार राय साडे नाल हेठा कमेंट्स सैक्शन के जरूर साझे करो। अज का वीडियो वेखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।